अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अग्नि, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये मेडिकल रिपोर्ट है ना, इसमें पक्का बच्चे के बाप का नाम लिखा होगा, राइट अग्नि? अग्नि प्लीज मुझे दिखाओ। नार बेटा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो रतन ढूंढ रहा है तुम्हें, बुला रहा था, जाओ जाके उससे मिलो। अग्नि, क्या कहने जा रही थी नाहर को? नाहर को ये बता रही थी कि मेरे पेट में उसका बच्चा है। दादी, ये बात नाहर को बतानी होगी, तभी वो हमेशा के लिए मेरा हो पाएगा। दादी, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर मंजिल तक पहुंचने को तुमने जो रास्ता चुना है ना, वो गलत है। अरे, हाथ में सरसों जमाओगी ना तो हाथ भी कटेगा और कुछ हासिल भी नहीं होगा। थोड़ा सब्र रखो, फल मीठा होगा। वक्त रहते नाहर ये बात समझ जाएगा कि इस बच्चे का बाप वो ही है। आई बात समझ में? और हाँ, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, समझी? पर कहीं सब्र के चक्कर में फिर से ना बाजी मार जाए। अग्नि से बात करना होगा, ऐसा कोई काम ना करे जिससे नाहर जी को कोई तकलीफ हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फाइल में देखती हूँ, कोई तो ऐसा सबूत मिले जिससे नाहर को मेरी बात पे यकीन हो जाए। जिसमें भी कुछ नहीं है, गॉड प्लीज। बेबी की फोटो शूट वाला फोटो है, मैं ये नाहर को दिखा सकती हूँ। एक मिनट, लेकिन एक गड़बड़ है। इसमें तो मैं सुंदरा के वेश में हूँ, अब मैं क्या करूँ? ना बेटा, ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर देना, फिर इन्हें स्कैन करके इन्हें मेल कर देना। पापा, ये कौन सा प्रोजेक्ट है? अब मैं नाहर को कैसे बताऊं कि ये प्रोजेक्ट वो सालों से हैंडल कर रहा है। ये हमारे पुराने क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, अब इसे तुम ही संभालोगे, ये काम कर देना। नाहर को यकीन दिलाने का ये अच्छा मौका है। ये फोटोज मैं उसके लैपटॉप में डाल देती हूँ, जब वो काम करने के लिए अपना लैपटॉप ऑन करेगा तो उसे ये फोटोज दिख जाएंगी। मैं इतनी जल्दी ये सब करूंगी कैसे? नाहर, बेटा काम तो होता रहेगा, हाँ? तुम अपने सेहत पर ध्यान दो, चलो आओ इधर, आओ। लो ये फूड्स। नाहर का लैपटॉप, मैं ये फोटो नाहर के वॉलपेपर पे लगा देती हूँ। फोटो तो ट्रांसफर हो गई, अब बस रंग साफ कर देती हूँ।
लैपटॉप इधर है। बस अब जैसे ही नार पासवर्ड डालेगा मेरी और उसकी फोटो उसके सामने होगी। आपकी कॉफी। क्या तुम्हें छोटी माँ ने बताया नहीं कि मैं सिर्फ छोटी माँ के हाथ की कॉफी पीता हूँ? मुझे नहीं पीनी है, ले जाओ। सॉरी, मैं वापस ले जाती हूँ। अच्छा सुनो, इधर आओ। तुमने इतनी तकलीफ उठाई तो कॉफी यही रख दो, रहने दो। नाहर जी के लैपटॉप में तो हमारी शादी की और बाकी भी फोटोज हैं। कई फोटोज देखकर नाहर जी परेशान ना हो जाएं। डॉक्टर ने खास कहा है कि नाहर जी को कुछ भी जबरदस्ती याद दिलाने की कोशिश ना की जाए। हे खाटू महाराज, प्लीज कैसे भी करके नाहर जी को पुरानी फोटोज के बारे में कुछ भी पता ना लगे। तुम खड़ी क्यों? जाओ। जी, बस जा ही रही थी। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, मेरा भी इस कमरे में मन नहीं लग रहा है, तुम ये कॉफी लेके स्टडी रूम में चलो। कुछ भी कीजिए प्लीज, नाहर जी लैपटॉप पर कुछ ऐसा ना देखे जिससे उनको तकलीफ हो। हाँ मैं ठीक हूँ, पता नहीं कैसे चक्कर आ गया मुझे। नीचे किसी को लगी तो नहीं ना? नहर, यहाँ पर सब ठीक है, बस तुम संभल कर आओ। हाँ। सॉरी पापा, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। नहीं बेटा कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओह गॉड, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। थैंक यू खाटू जी, आपने मेरी सुन ली। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी सोचती है। सुन,
इतनी आसानी से तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी? चल अब मुंह मिटा कर। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? That's my favorite brother. Thank you. अब मेरी बारी। गिफ्ट? वो आपका गिफ्ट तो मैं भूल गया। भूल गया? ठीक है, फिर जा, मैं तुझे कोई मिठाई नहीं दूंगी। अरे भूल गया ना मेरी? वाह वाह वाह, मतलब बड़े भैया के लिए आंसू और छोटे भाई को लूट रहे हो। नो गिफ्ट तो नो मिठाई। ये लो आपका गिफ्ट। पता था मुझे, थैंक यू। अरे अब तो मुझे मिठाई खिला दो। हाँ हाँ बाबा खिलाती हूँ, आते। हो गया, अब ग्रुप हग। भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे, इन्हें किसी की नजर ना लगे। ये रखे किसके लिए? ये तो भाभी के लिए। आइए ना भाभी। अवनीत, क्या तुमने इसे भाभी कहा? भैया वो आप ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे भाभी नहीं कहा। मैं तो यहाँ काम करती हूँ ना। हाँ लेकिन अवनीत तुमने अभी इसे भाभी कहा? अवनीत ये कहने का मतलब ये था ना कि भाई अब आप भाभी ले आओ ताकि मैं भाभी वाली राखी बांध सकूँ। अब अगले साल वो भाई और भाभी दोनों को साथ में राखी बांधेगी, है ना? है ना अम्मी? हाँ हाँ यही मतलब था। रूही अब तुम यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ किचन में जाकर सबके लिए नाश्ते की तैयारी करो। जी तो बात संभाली, लेकिन पिंकू भैया और जूही को राखी बांधने के लिए जाना है, वो कैसे जाऊं? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? अरे राखी का गिफ्ट दो। अच्छा राखी गिफ्ट, वो तो मैं नहीं लाया। नहीं लाया मतलब? लाया हूं। ये रहा तेरा गिफ्ट। अरे ऐसे थोड़ी ना गिफ्ट मिलेगा। अरे तो कैसे, मेरा गिफ्ट दो। अरे क्या कुछ बनाया, मेरा गिफ्ट दो। नहीं मिलेगा गिफ्ट दो ना। दादी देख रही हो आप, इसे शादी होगी इसकी, लेकिन बचपन अभी भी इसमें भरा पड़ा है। हाँ और हमेशा रहेगा, कहीं जाएगा भी नहीं। दो। अरे सुनो बेटा, रूही नहीं आई अभी तक। क्या बात है कि पापा आप भी ना? अरे शादी हो गई है, ससुराल में है ना, 100 काम होते हैं रक्षाबंधन के त्योहार पे। लड़की उठ के चली आएगी क्या ऐसे ही मायके? अब हर बहू की किस्मत हमारी बहू जैसी अच्छी थोड़ी ना होती है कि बस सामने बैठे बैठे सारा काम हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़े।
अब दादू रोहिणी आई तो कोई बात नहीं, मैं और पिंकू भैया चले जाते हैं इस बार। क्यों पिंकू भैया? ये आइडिया बिल्कुल सही है, हम रोहिणी को सरप्राइज दे देते हैं, खुश हो जाएगी ना। हाँ ये सही रहेगा। थैंक यू। अरे संभाल के। सही है। भाभी मेरा गिफ्ट। देखा कितना बड़ा गिफ्ट दिया। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। दस बज गए हैं, बहुत देर हो गई है। पिंकू भैया और जूही दोनों मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। किससे पूछ के इस तरह घर के अंदर घुसे जा रहे हो? दादी वो हम रूही से मिलने के लिए आए हैं, आज राखी है ना तो उससे राखी बनवानी है। यहाँ मेरे पोते के साथ इतना कुछ हो गया कि तुम लोगों को राखी की पड़ी है, तुमको त्योहार मनाना है। दादी जी राखी के दिन तो राखी बंधवाएंगे ना, आज के दिन हर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है, तो बस इसीलिए रूही के पास चले आए। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, लेकिन जो भी करना है ना अपने घर जाकर करो, निकलो यहाँ से। रूही से एक बार खड़े क्यों हो, निकलो। जूही पिंकू भैया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती ना, तुम क्यों बुलाया इन लोगों को यहाँ? इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा ना, जो इन लोगों को नहार के सामने लाके उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? दादी आज रक्षाबंधन, प्लीज मुझे मेरे भाई बहन को राखी बांध लेने दीजिए, वो मुझसे राखी बंधवाने आए हैं। प्लीज दादी, प्लीज मुझे राखी बांध लेने दीजिए। रूही तो से दादी के सामने हाथ क्यों जोड़ रही है? रक्षाबंधन के दिन हर बहन का हक होता अपने भाई को राखी बांधने का, इसमें तेरी दादी सास तुझसे इतना नाराज क्यों हो रही है? रूही बात क्या? बात तो इतनी बड़ी है कि जी करता है कि इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन ये बेशरम है कि यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं लेती। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे कैसे आप मेरी बहन को घर से बाहर निकाल सकती हैं? कि उसका भी घर है। माफ कीजिएगा दादी जी, लेकिन आप मेरी बहन से ऐसे बात बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दादी जी बस 5 मिनट दीजिए, मैं पिंकू भैया और जूही को राखी बांध कर उन्हें वापस भेज दूंगी। प्लीज दादी। ठीक है, बंधवा लो राखी किसी कोने में और दफा करो इन लोगों को यहाँ से। तेरी दादी साहब तेरे साथ ऐसा कैसे सुलूक कर रही थी? पिंकू भैया वो मेरी वजह से नहार जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए दादी जी मुझसे नाराज है। अजीब बात है, अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। अरे पिंकू भैया छोड़ो ना ये सब, क्या अभी दादी वैसे भी सत्या गई है। पर ऐसे कैसे वो बात कर सकती? अब जूही दादी जी के बारे में ऐसा नहीं कहते। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों छोड़ो ये सब, क्या करें घर में तो नो एंट्री है, यहीं कहीं बाहर ही बांध लेते हैं राखी। हाँ पिंकू भैया चलिए। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे त्योहार मनाएंगे। रोही त्योहार मनाने के लिए दिलों में प्यार और रिश्तों में विश्वास होना जरूरी है, फिर
जगह कोई भी हो। हाँ, फरिश्तों में हंसी मुस्कुराहट होना तो हर माहौल खिल उठता है। अब तो ऐसे उदास क्यों बैठी है? अगर ऐसे उदास रहेगी ना तो फिर ये गिफ्ट नहीं दूंगा मैं तुझे। अब मुस्कुरा भी दे, थोड़ा सा तो हंस दे। ये ले। भाई तो अपनी बहन की रक्षा करता ही है, लेकिन जिस तरह एक बहन अपनी बहन की रक्षा करती है, हर कदम पर उसका साथ देती है, वैसा कोई नहीं कर सकता। और मेरी खाटू जी से यही प्रार्थना है कि हमारा ये प्यार भरा रिश्ता हमेशा ऐसे ही अटूट रहे और हमारा ये साथ कभी ना छूटे। तुम दोनों अपने अपने पतियों के साथ खुश रहो, मैं तो बस यही आशीर्वाद दूंगा तुम दोनों को। अच्छा रूही, नाहर जी जो जब एकदम ठीक हो जाए ना तो उन्हें घर जरूर लेके आना। अरे पिछली बार घर पे आए हम उनसे मिल ही नहीं पाए, इस बार पक्का लेके आना कर, ठीक है? आखिर जीजा और साले के बीच का रिश्ता भी तो मजबूत होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया है सोनी, रूही अब इस बच्चे की माँ कहलाने के लायक नहीं रही। दीक्षा ने तो कहा था ना कि ये सब बच्चे की माँ ही। पर तुम अभी नौकरानी हो, माँ नहीं। कान खोल कर सुन लो रूही, अगर तुमने प्रसाद को हाथ भी लगाया ना तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी।